खापरखेड़ा परिसर में तब दहल गया जब दिन दहाड़े 31 वर्षीय युवक प्रशांत घोड़ेसवार के आरोपी ने गला रेत कर हत्या कर दी। यह घटना खापरखेड़ा के मुख्य मार्ग पर बाबा बार के समीप हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि घटना के बाद परिसर में किसी भी नागरिक ने घायल युवक की मदद नहीं की। इस पूरे घटना की जानकारी जब खापरखेड़ा पुलिस को मिली तब पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना में 5 आरोपी शामिल है जिसमें से 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। जगह के विवाद को लेकर हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई। घटना खापरखेड़ा की है जहां एमएसएबी ऑफिस के परिसर पर चाइनीज ठेला न लगाने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद 5 आरोपियों ने मिलकर खापरखेड़ा के मुख्य मार्ग पर मृतक प्रशांत घोड़ेसवार को पहले तो सभी ने घेर लिया, फिर उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। 21 को रात को करीब 10:45 से लेकर 10 बजे के बीच की यह घटना है। इसमें मृतक का नाम जो प्रशांत घोड़ेसवार है वो अनमैरिड है, उसकी उम्र 29 साल की उम्र है। उसकी उसके भाई ने जो शिकायत दिया है, वो भाई का नाम है अमित घोड़ेसवार, उसकी उम्र 33 साल की है, मैरिड है, शादीशुदा है। वो गावंडे कॉम्प्लेक्स के सामने जो एमएसबी की जो जगह जो थी और जगह का ताबा आरोपी में सी एक आरोपी ने दूसरे आरोपी को दे दिया था। मृतक का जो भाई जो फिरियादी है उसके कहने के मुताबिक वो जगह पड़ी थी, इसीलिए वो जगह का इस्तेमाल हम चाइनीज ठेला लगाने के लिए कर रहे थे। इसके पहले उनका बिना संगम में भी 2-2 ठेले चलते थे, लेकिन बिना संगम में बाढ़ आने की वजह से उनका थोड़ा बिजनेस ठप हो गया करके उन्होंने फिर ख्याल इधर देना चालू किया। वे मेन मार्केट रोड होने की वजह से खाली जगह दी गई, अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा, इसीलिए मृतक ने भी वो ठेला वहाँ पर लगाने की कोशिश किया होगा। तो आरोपी ने उसको बोला कि भैया तू यहाँ पे ठेला हटाता क्यों नहीं, तू ठेला रखने का मतलब क्या है तेरा, ठीक है। तो इसी के तहत फिर वो कल लोग बाहर में मिले और फिर मृतक का जो दोस्त है, मृतक के दोस्त को इसकी पूरी जानकारी थी कि बाहर में कौन बैठा है। प्रशांत घोड़ेसवार भी वहाँ पे आया है, वहाँ पे उसको समझाने की बातें भी हो गई, लेकिन समझाने की बातें होने के बाद कुछ ही देर के अंदर वो बाहर पड़े। बाहर पड़ने के बाद बाहर से ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 फीट के दूरी पे उसको गला काट कर हत्या हो गई। इसमें कितने आरोपी हो सकते हैं? इसमें आरोपी की कुल मिला के संख्या अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन तपास के अंदर आरोपी की संख्या अच्छी खासी बढ़ जाएगी। और गुना जो दाखिल हुआ वो 334, उसमें अट्रासिटी भी लग गया है, 305 अट्रासिटी एक्ट लग गया है और 425 आर्म एक्ट के तहत गुना दाखिल हुआ फिलहाल आज के स्टेज पे। सर, जो मृत्यु हुआ और जो आरोपी है इनके ऊपर में पहले के कई गुने कुछ है क्या? 10 साल का रिकॉर्ड देख चुका हूँ, उसमें कोई चोरी वेरी के ऐसे एक एक दो दो गुने मिल रहे हैं, कहीं अपने यहाँ का मिल रहा है, कहीं काटोर का मिल रहा है, जो बाहर पुलिस से वो रिकॉर्ड हम मांग रहे हैं। सर, ये गुना किस पे मिले सर, आरोपी पे मिले कि मृतक पे मिले? अभी भी रिकॉर्ड देखा मृतक के ऊपर भी 2 गुने हैं, लेकिन वो चोरी वेरी के गुने हैं, कोई भंगार गुके चोरी हो रही होंगी, लेकिन जब ब्रीफ पढ़ने के बाद ही पूरा पता चलेगा। लेकिन ऐसा कोई मर्डर कोई ऐसा 307 इसके अंदर ऐसा अभी तक का क्राइम रजिस्टर नहीं उनके खिलाफ में। सट्टापट्टी कुछ एंगल सामने आ रहा है? सट्टापट्टी का एंगल ना तो आरोपी की तरफ से ना तो मृतक की तरफ से, दोनों तरफ से सट्टापट्टे का एंगल कहीं पर भी नहीं है। पुलिस ने बताया कि यह पूरी घटना जमीन के विवाद को लेकर हुई है, जिस पर चाइनीज ठेला न लगाने को लेकर प्रशांत को आरोपियों द्वारा कहा गया था, ना सुनने पर उसके साथ यह सुलूक कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि घटना में 5 आरोपी लिप्त है, जिसमें से सुधीर पिपड़े और सागर मधुकर को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 3 आरोपी फरार है। इन आरोपियों पर पुराने मामले भी दर्ज है, फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रकाश शुंकलवार की डेस्क रिपोर्ट, महाराष्ट्र TV 24।